ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये प्रार्थनाएं कर्दम मुनि अपने पुत्र भगवान कपिल, क्योंकि भगवान स्वयं उनके पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया है, तो ये बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं कर्दम मुनि भगवान से कर रहे हैं। हम भी मंदिरों में जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन ये जो भगवान के महान भक्त होते हैं इनकी प्रार्थनाओं में और हमारी प्रार्थनाओं में बहुत अंतर होता है। तो बड़ी सुंदर प्रार्थना है, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। त्वाम सूरिभिः तत्त्वा बुभुत्सया अद्धा। कर्दम मुनि जी कह रहे हैं कि हे भगवान, जो बड़े बड़े संतगण हैं, साधुगण हैं, सूरिभिः का मतलब होता है साधुगण, और ये साधुगण क्या कर रहे हैं? तत्वा बुभुत्सया, जो भगवान को समझना चाहते हैं। तत्व का मतलब होता है एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो भगवान को तत्व को समझना चाहते हैं। अद्धा मतलब ये सार है, ये निश्चित हो गया है कि अगर जो महात्मा गण, जो साधुगण भगवान को समझना चाहते हैं, तत्व को समझना चाहते हैं, उन्हें क्या करना है? सदा अभिवाद अर्हणा पाद पीठम, उन्हें हमेशा सदा अभिवाद अपने पूर्ण रूप से भगवान की श्रद्धा के साथ में उपासना करनी चाहिए। अभिवाद का मतलब होता है सम्मान पूर्वक श्रद्धा के साथ में उपासना। किनकी उपासना? अर्हणा पादपीठम, भगवान के चरण कमलों की उपासना करनी चाहिए। अर्हणा का मतलब होता है, क्योंकि ये भगवान के जो चरण कमल हैं अत्यंत श्रेष्ठ हैं, ये पूजनीय हैं, दे आर वर्दी टू बी वर्शिप्ड, ये पूजनीय है।
तब प्रश्न उठेगा कि भाई बहुत सारे देवतागण हैं, बहुत सारे श्रेष्ठ व्यक्तिगण हैं, उनकी उपासना क्यों ना की जाए, उनके चरण कमलों की सेवा क्यों ना की जाए। तो कर्दम मुनि जी यहां पर कह रहे हैं क्योंकि भगवान जो हैं वो छह प्रकार के ऐश्वर्यों में पूर्ण है। इस भौतिक संसार में कोई भी जीव, यहां तक कि ब्रह्मा, शिवजी, अन्य बड़े बड़े देवतागण, वो भी इन छह ऐश्वर्यों में पूर्ण नहीं है। तो केवल भगवान के चरण कमल वंदनीय है, पूजनीय है, उनकी उपासना हमें करनी चाहिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है यहां पर। अगर आप देखेंगे, कभी आप वृंदावन में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग भागवत कथा करते हैं, लोगों को भागवत कथा बताते हैं। उनमें से लगभग 100% हम कह सकते हैं, नियरली, जो ये भागवत कथा सुनाते हैं, या तो इन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया है, एक प्रकार का धंधा बना लिया है, या फिर इन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त नहीं की है। दे हैव नॉट टेकन शेल्टर ऑफ लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। तो उनके मुख से भागवत कथा, भगवान की कथा सुनने के बाद में हमें कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। थोड़ा मनोरंजन जरूर हो जाएगा, थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी कि हमने भी भागवत कथा सुन ली है, लेकिन हृदय के अंदर में बदलाव नहीं आएगा, हृदय के अंदर में क्रांति नहीं आएगी। There will be no revolution in your heart. Your life will never be changed. हमारा जीवन बदलेगा नहीं। तो ये अंतर होता है। भागवत में बताया है कि ये बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी, क्योंकि यहां पर निश्चित कर दिया गया है कि बड़े बड़े साधुगण भी, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो तत्व की जिज्ञासा में लगे हैं, यह सुनिश्चित है कि उन्हें भगवान के चरण कमलों की उपासना करनी चाहिए। अगर वो भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करते हैं, उनकी शरण ग्रहण नहीं करते हैं, तो भागवत में बताया है ये संत, ये बड़े बड़े साधुगण, ये ज्ञानी अपने उच्च स्थान से इनका पतन हो जाता है, गिर जाते हैं। किसी को याद है वो श्लोक? भागवतम में श्लोक है, ये अन्ये अरविंदाक्ष विमुक्तमानिनः, जो भगवान अरविंद आक्ष जो हैं, जो कमल नयन हैं, उनको छोड़ करके उनके चरण कमलों का अनादर करके, अनादरात युष्मात, जो उनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं, पतंती अधः,
वो अपने उच्च स्थान से उनका पतन हो जाता है, वो गिर जाते हैं। तो मतलब यहां पर कर्दम मुनि जी बता रहे हैं कि सभी तत्व जिज्ञासाओं करने वालों का अंतिम ध्येय, अंतिम लक्ष्य भगवान के चरण कमल, उनकी शरण ग्रहण करना है, उनकी उपासना करना है। भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, महान जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हुए षड गोस्वामी और उनकी परंपरा में श्रील प्रभुपाद ये बताते हैं कि ये जो श्लोक भागवतम में आता है वो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, जो स्वयं कृष्ण है, उनके विषय में है। तो इस श्लोक में बताया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमल का आश्रय ग्रहण करता है तो किस प्रकार से उसे जीवन की पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है, उसको मैं पढ़ता हूं और उसको थोड़ा हम समझेंगे। ध्येयं सदा परिभवघ्नम अभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरंचि नूतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम्। तो यहां पर बताया है कि अगर कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु, महापुरुषस या भगवान, उनके वंदे महापुरुषस ते चरण अरविंदम, उनके मैं चरण अरविंद, उनके चरण कमलों की मैं उपासना करता हूं, जिनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से व्यक्ति को जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाती है। क्या क्या सफलताएं मिलती हैं वो इस श्लोक में बताया है। ध्येयम सदा, भगवान के जो चरण कमल हैं उनके ऊपर सदैव हमें ध्यान लगाना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं, लोग कहते हैं कि हमें ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करना है। आपने सुना होगा, खासकर पाश्चात्य देश में ये शब्द जो है बहुत फेमस है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। लेकिन लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि वो मेडिटेशन हमें किसके ऊपर लगाना है, वो मेडिटेशन किसके ऊपर करना है, वो ध्यान किसके ऊपर लगाना है। कई बार आपने देखा होगा, लोग मंदिरों में जाकर के बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ ध्यान में मग्न रहते हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है कि भगवान के सामने बैठा हूं, भगवान के चरण कमलों के ऊपर मुझे ध्यान लगाना है, आंख बंद करके ऊपर किसके ऊपर ध्यान लगा रहा है। तो लोगों को ये ज्ञान नहीं है। कुछ लोग किसी बिंदु के ऊपर ध्यान लगाते हैं, कुछ लोग शून्य के ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो लोगों को ज्ञान ही नहीं है। तो यहां पर बताया गया है कि वो क्या वस्तु है जो हमेशा हमारे ध्यान के योग्य है, जिसके ऊपर हमें हमेशा ध्यान लगाना चाहिए।
तो यहां पर कहा है ध्येयम सदा, ऑलवेज वन शुड मेडिटेट ऑन द लोटस फीट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के चरण कमलों के ऊपर हमें हमेशा ध्यान लगाना चाहिए। भागवतम में कुल मिलाकर के 12 स्कंद आते हैं, 12 कैंटोस। दशम स्कंद जो है ये भगवान का सुंदर मुख है, स्माइलिंग फेस ऑफ द लॉर्ड। लेकिन जब हम मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं तो क्या आपको पता है कि हमें दर्शन भगवान के मुख से नहीं करने चाहिए? सबसे पहले हमें भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, बाद में धीरे धीरे ऊपर की तरफ, बाद में भगवान के सुंदर मुख के ऊपर हमें ध्यान लगाना चाहिए। इसी प्रकार से महान आचार्यों ने बताया है कि भागवत के प्रथम और द्वितीय स्कंद जो होते हैं, फर्स्ट कैंटो एंड सेकंड कैंटो, ये भगवान के चरण कमल हैं। तो जब तक हम प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद सही प्रकार से नहीं समझ लेते हैं तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फर्स्ट वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट एंड द सेकेंड कैंटोस। अभी रिसेंटली लगभग 1-1.5 महीने पहले मैं हमारे गुरुग्राम जो मंदिर है वहां पर और वृंदावन गया था, तो एक दिन के लिए मैं अपने पिताजी के घर गया था। तो वहां पर बड़ा जो है एक गेटेड कम्युनिटी है, तो वहां पर उन्होंने जो है, मेरे ख्याल से उस समय में नवरात्रे चल रहे थे, तो उस नवरात्रों के समय में वहां पर भागवत सप्ताह चल रहा था। तो मैं भी थोड़ा क्यूरियस था कि भाई जरा मैं भी जाकर के देखूं ये भागवत सप्ताह में क्या बताते हैं, व्हाट डू दे स्पीक। भागवत सप्ताह में वो क्या बताते हैं, तो मैं वहां पर गया तो उस दिन जो है, जिस दिन मैं गया शायद 5वां या 6ठा दिन था, और उसके बाद में लास्ट डे फाइनल डे है, उस दिन बलि महाराज की कथा चल रही थी और भगवान उनके वामन देव के अवतार के बारे में जो है वो कथा बता रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटे से बच्चे को वामन का रूप जो है, वामन के रूप में छतरी लेकर के खड़ा कर दिया, थोड़ी सी कथा बताई और उसके बाद में कहा आओ भाई सभी लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अभी वामन देव की पूजा है और वामन देव की पूजा के बाद में आपकी श्रद्धा के अनुसार जो आपको चाहिए भेंट चढ़ाइए। पहले भी 7 दिन का कम से कम 9-10 लाख से तो कम नहीं लिया होगा, है ना। तो मैंने बाद में जाकर के पता किया इससे पहले कौन सी कथाएं बताई हैं। एक दिन रुक्मिणी विवाह की कथा बताई और सबसे दहेज मांगा।
एक दिन वामन देव की कथा, उनको चढ़ावा चढ़ाओ। एक दिन भगवान के जन्म की कथा, जन्मदिन है, सब लोग भेंट चढ़ाओ, ब्राह्मण भोज कराएंगे। कराएंगे या नहीं कराएंगे वो तो पता नहीं, देखिए। तो एक प्रकार से ये प्रोफेशन बन गया है। 7 दिन के अंदर में क्या भागवत समझेंगे आप? परीक्षित महाराज के पास में केवल 7 दिन थे। He had no other means। उनके पास में और कुछ नहीं था। 7 दिन लगातार, ये जो भागवत कथाएं चलती है हार्डली 3 घंटे की रहेंगी, दिन में 3 घंटे 7 दिन के लिए, यानी 21 घंटे में आप क्या भागवत कथा समझेंगे? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए भागवत में तो आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा कि भागवत सप्ताह, 7 दिन के लिए भागवत सुन लो, बाद में घर जाओ और अपना जीवन चलाओ। ऐसे तो भागवत में कहीं पर भी नहीं कहा है। भागवत में कहा है नित्यम भागवत सेवया, डेली, हर एक दिन। तो इसलिए आप देखेंगे कृष्णा भावनामृत मंदिर में डेली भागवत कथा होती है। ये प्रभुपाद जी की कृपा है। और हम लोग जो है ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि लोगों के पास में समय कम है। परीक्षित महाराज बिना खाए हुए बिना पिए हुए, शायद आप लोग सब प्रसाद लेकर के आए हो या नहीं, या अभी वेट कर रहे हो, है ना, कथा कब खत्म हो और हम लोग भी प्रसाद ग्रहण करें। तो क्या आप सोच सकते हैं 7 डेज 7 दिन तक लगातार परीक्षित महाराज जो हैं बिना खाए बिना पिए बिना सोए अटेंटिवली बड़े ही ध्यान पूर्वक उन्होंने भागवत कथा सुनी। तो उनके पास में 7 दिन थे, हमारे पास में एक क्षण भी है या नहीं है वो भी गारंटी नहीं है। उनको 7 दिन की तो गारंटी थी, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं वी शुड बी मोर सीरियस मोर अलर्ट इन कैरिंग आउट अवर प्राइम ड्यूटी। हमारा जो प्राथमिक सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है भगवान को समझने का, उसके लिए हमें परीक्षित महाराज से भी ज्यादा सीरियस होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, निष्ठा हमारे अंदर में वो होनी चाहिए। तो प्रथम और द्वितीय स्कंद जो है वो भगवान के चरण कमल है। ध्रुव महाराज की एक बड़ी सुंदर प्रार्थना है, जब वो भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान से वो प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि भगवान, भक्त के जीवन में और इस भौतिक संसार में भी केवल 2 प्रकार के ही सुख हैं, 2 ही कार्य हैं जिनके द्वारा व्यक्ति असली सुख की प्राप्ति कर सकता है, असली आनंद की प्राप्ति कर सकता है। बड़ा सुंदर श्लोक है, या निर्वृत स्तनुभृताम तव पाद पद्मा ध्यानात भवज्जना कथा श्रवणेन वास्यात। ये 2 पंक्तियों में वो 2 बहुत महत्वपूर्ण आइटम्स बताते हैं। तनुभृताम, एम्बॉडीड, जिन्होंने ये शरीर ग्रहण किया है उनके लिए वो एडवाइस दे रहे हैं कि अगर तुम्हें आनंद चाहिए तो तुम्हें क्या करना चाहिए। या निर्वृतिस, निर्वृतिस का मतलब है आनंद, ब्लिस। अगर तुम्हें आनंद प्राप्त करना है तो क्या करना है, तव पाद पद्म ध्यानात, भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगाना है।
देखिए यहां पर कर्दम मुनि भी यही बता रहे हैं, सदा ऑलवेज मेडिटेट ऑन द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। भागवत के 11वें स्कंद का जो हम ध्येयम सदा परिभवघ्नम अभिष्ट दोहम, वहां पर भी बताया है सदा भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। तो एक हो गया भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान, और दूसरा वो कहते हैं भवज्जन कथा श्रवणे न वस्यात। भवज्जन का मतलब होता है भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के जो उत्तम भक्त हैं उनके मुख से कथा श्रवणेन, भगवान की अमृत रूपी कथाएं जब हम उनका पान करेंगे तो वो जो आनंद मिलेगा उसकी कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है, नो कंपैरिजन। हम लोग बोलेंगे नहीं भाई, हमारे जीवन में जो हम आनंद भोग रहे हैं उससे बढ़कर के क्या है, क्या मिलेगा। तो बड़ा सुंदर कंपैरिजन करते हैं अगली दो पंक्तियों में, क्योंकि यहां पे तो बता दिया है कि भाई अगर हम जीव जो तनुधारी हैं जिन्होंने ये शरीर ग्रहण किया है, अगर हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो कहते हैं दो ही चीजें करनी है, एक तव पाद पद्म ध्यानात, भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगाना है, दूसरा भवत जन कथा श्रवणे नवास्यात, भगवान के शुद्ध भक्तों से भगवान की कथाएं सुननी है। इन दोनों चीजों से जो आनंद प्राप्त होगा उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं है। तो देखिए वो किसके साथ कंपैरिजन करते हैं, किसके साथ तुलना करते हैं, सा ब्रह्मणी स्वमहिमानि अपिनात मा भूत। मां का मतलब होता है नेवर, इसका कोई कंपैरिजन नहीं, इट कैन नेवर बी कंपेयर्ड। भगवान की कथा अमृत और भगवान के ऊपर चरण कमलों के ध्यान लगाने, इससे जो रस की प्राप्ति होगी, जो आनंद की प्राप्ति होगी, उसकी कोई तुलना नहीं है। किसके साथ तुलना नहीं है, ब्रह्मणी। जो लोग भगवान के निराकार रूप में, ब्रह्मन स्वरूप में जो मिल जाना चाहते हैं, अपना अस्तित्व खो देना चाहते हैं, उसके साथ में कोई कंपैरिजन नहीं है। और आगे कहते हैं अगर उसके साथ में कोई कंपैरिजन नहीं है तो भला स्वर्ग लोक की यात्रा के साथ में क्या कंपैरिजन है, भौतिक संसार के सुखों के उसमें क्या कंपैरिजन है। तो अगली पंक्ति में कहते हैं किंतु अंत काशी लुलितात पतताम विमानात। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, अंतक अशी इसका मतलब होता है स्वॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु की तलवार। इस भौतिक संसार में हर एक वस्तु के ऊपर मृत्यु की तलवार खड़ी हुई है। कोई है व्यक्ति, नहीं मैं हमेशा जीवित रहूंगा, एनीबॉडी, कोई है, नो। तो कह रहे हैं किंतु अंतकाशी लुलितात, मृत्यु की तलवार के द्वारा इस भौतिक संसार में एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। लुलितात का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, सर्वनाश। समय की तलवार के द्वारा हर एक चीज का सर्वनाश होने वाला है इस संसार के अंदर में। तो भला उस सुख से कुछ मिलेगा क्या जिसका अंत होने वाला है,
और दूसरा सुख बताते हैं पतताम विमानात, नहीं कम से कम अगले जीवन में स्वर्ग लोक तो जाऊंगा, कुछ बढ़िया काम कर लेता हूं, पुण्य के कार्य कर लेता हूं, स्वर्ग लोक में जाऊंगा। पतताम विमानात, आपने रिसेंटली एक न्यूज पढ़ी होगी कि एक फ्लाइट, शायद इंडिगो की फ्लाइट थी, उसका ईंधन खत्म हो गया था, बहुत कम ईंधन था। सुनिए किसी ने न्यूज, लोग घबरा गए थे क्योंकि आकाश में उड़ते उड़ते उसको जो है लैंडिंग नहीं मिली। दिल्ली में उतरना था लेकिन वहां पर लैंडिंग नहीं हो सकी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कारण था। घूमते घूमते फाइनली जाकर के चंडीगढ़ में जाकर के लैंड किया, और लोग इतने घबरा गए थे क्योंकि कैप्टन ने सूचित कर दिया था वी हैव जस्ट 1 मिनट ऑफ फ्यूल लेफ्ट, केवल उतना जो है फ्यूल बाकी रह गया था। तो पतताम विमानात का मतलब है जब आपका विमान ऊपर उड़ रहा है उसका फ्यूल खत्म हो गया तो नीचे आना पड़ेगा ना। इसी प्रकार से हमने जो पुण्य कार्य किए हैं उसके द्वारा हम स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं, लेकिन जब ये पुण्य खत्म हो जाएंगे तो दोबारा आपको वापस आना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। तो ये कंपैरिजन किया है कि भगवान की कथा, भगवान के चरण कमल के ऊपर ध्यान लगाने से जो अमृत की प्राप्ति होगी, जिस प्रकार के आनंद की प्राप्ति होगी, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं कई बार ये उदाहरण देता हूं, हमारे कॉलेज में एक कंपटीशन लगता था, आपको पता होगा कॉलेज वगैरह में जो है इसी प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो है वेरी स्ट्रेंज अद्भुत कॉम्पिटिशन्स लगाते हैं। तो एक कॉम्पिटिशन था कौन सबसे ज्यादा आइसक्रीम खाएगा। तो हम लोगों ने देखा है 10-15 लोग जो हैं खड़े हैं लाइन में, कतार में खड़े हैं और समय दे देते हैं इतने टाइम के अंदर में कौन सबसे ज्यादा आइसक्रीम खाएगा, और समय बीत रहा है, एक खा रहा है, खाने के ऊपर लगा हुआ है। तो हम लोगों ने स्वयं देखा है, एक आदमी ने 10 आइसक्रीम खाई, जैसे ही 11वीं आइसक्रीम खाई, जितनी आइसक्रीम खाई थी सब वापस, एवरीथिंग वॉमिटेड, करेक्ट। ट्राई कीजिए, अगर आपको, इफ यू डू नॉट बिलीव यू कैन ट्राई, आपको 10-15 रसगुल्ले खाने के लिए दे देंगे, बाद में आप हाथ जोड़ लोगे कि भाई पूरा महीना रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, करेक्ट है कि नहीं, यू विल नॉट ईट। इसको कहते हैं अंतकाशी, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड, मटेरियल हैप्पीनेस, भौतिक सुख जो है समाप्त हो जाते हैं। भगवान के चरण कमलों से जो आनंद मिलता है, भगवान की कथाओं से जो आनंद मिलता है, उसे अमृत कहते हैं, नामृत, विच इज इटर्नल, इट गिव्स इटर्नल हैप्पीनेस, ये हमें सनातन आनंद प्रदान करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं बता रहा था कि ये जो भगवान के चरण कमल का जो आश्रय लेते हैं, भागवत में बताया है, उससे हमें कैसे परम गति की प्राप्ति होती है। तो पहले तो बताया था ध्येयम सदा, हमेशा भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, वो पूजनीय है, ध्यान लगाने लायक है। अगला वो कहते हैं परिभवघ्नम, परिभवघ्नम का मतलब होता है ये जो भौतिक हमारा जो जीवन है ये एक प्रकार का एम्बैरेसमेंट है, हम बड़े ही विकृत अवस्था में हैं भौतिक संसार में, इट इज नॉट अ वेरी गुड पोजिशन। इसलिए तो कहते हैं ना पदम पदम यद विपदाम, अभी हम लोग खुश हैं,
एक फोन कॉल आ जाएगा, मेरा नियर एंड डियर वन पास्ड अवे, करेक्ट? कई बार हम लोग शॉक्ड हो जाते हैं, अरे एक घंटे पहले तो बात की थी मैंने उससे। प्रभुपाद जी कहते हैं एनी मोमेंट, हम यहां पर बैठे हैं, थोड़ी देर में हम लोग सड़क पे जाते हैं, कोई गाड़ी मार करके चली जाती है, एनी मोमेंट। तो हमारा जो अस्तित्व है वेरी एम्बेरेसिंग, जहां पर अस्तित्व नहीं है वहां पर हम लोग अस्तित्व लगा करके बैठे। प्रभुपाद यूज्ड टू से एक बढ़िया उदाहरण देते थे, यू आर स्टैंडिंग ऑन आइस, आइस के ऊपर आप खड़े हुए हैं, बस पिघलने की देर है, यू विल फॉल डाउन। फॉरेन कंट्रीज में खासकर आप देखेंगे बहुत ज्यादा आइस जम जाती है। मटेरियल प्लेटफॉर्म का कंपैरिजन प्रभुपाद जी करते हैं, इट इज लाइक स्टैंडिंग ऑन आइस। तो परिभवघ्नम, हमें इस भौतिक परिस्थिति से छुटकारा मिलेगा। परिभवघ्नम अभिष्ट दोहम का मतलब होता है, जो भी भगवान के चरण कमलों की उपासना करता है, His greatest desire will be fulfilled. जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, और सबसे महत्वपूर्ण इच्छा जो हमारी होनी चाहिए भगवत प्रेम की प्राप्ति की, वो सबसे बड़ी इच्छा है। भौतिक संसार में लोग केवल चार प्रकार की इच्छाएं करते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म करते हैं, कुछ ना कुछ धर्म करना चाहते हैं, किस लिए? अर्थ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। गुजरात तो वाइब्रेंट है इकोनॉमिकली, सब महान जितने भी व्यापारी हैं, गुजरात को कौन डिफीट कर सकता है, करेक्ट है? तो धर्म, अर्थ, और अर्थ किस लिए चाहिए, पैसा क्यों चाहिए? हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए। काम, काम का मतलब होता है डिजायर्स। और फाइनली जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, वी वॉन्ट टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। लेकिन इससे भी जो पंचम पुरुषार्थ है भगवत प्रेम, वो लोगों को ज्ञान नहीं है। तो ये चार भी प्राप्त होंगे और भगवान का प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा अगर हम भगवान के चरण कमलों की उपासना करते हैं। उसको कहते हैं अभिष्ट दोहम। तीर्थास्पदम, तीर्थास्पदम का मतलब है भगवान के चरण कमल जो हैं उनके चरण कमलों पर सभी तीर्थ स्थित हैं। ये जो पवित्र गंगा है उसको हम पवित्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उद्गम भगवान के चरण कमलों से हुआ है और भगवान के शुद्ध भक्त भी भगवान के चरण कमल पर हैं, उनको भी तीर्थास्पदम कहते हैं। महाराज युधिष्ठिर विदुर महात्मा से कहते हैं, महात्मा विदुर जो है सभी तीर्थ यात्रा करके आए थे। हम लोग तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? हम लोग तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? जनरली लोग, हमने अनेकों प्रकार के पाप कर्म किए हैं, गंगा नदी में जाकर के तीर्थ स्थान पर जाकर के अपने पाप धो लेते हैं। अगर हम अपने पाप धोते हैं तो तीर्थ स्थान में क्या होगा? हमारे सारे जितने भी लोग वहां पर तीर्थ स्थान में जाकर के अपने पाप धोते हैं तो वहां पे पाप कर्म बढ़ जाते हैं। तो ये जो भगवान के जो महान भक्त होते हैं जैसे महात्मा विदुर हैं, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानी, वो तीर्थ स्थान को भी शुद्ध कर देते हैं। क्योंकि हम लोग जाकर के वहां पर पाप कर्म धो देते हैं
तो अब तीर्थ स्थान को भी पवित्र करना होता है। ये महान भक्त जो भगवान के चरण कमल सदैव अपने हृदय में लेकर के जाते हैं उनको तीर्थपाद कहते हैं, क्योंकि भगवान के चरण कमल वही असली तीर्थ हैं जिनके ऊपर सारे तीर्थ आश्रित हैं। ये हमें समझना है। तो तीर्थास्पदम का मतलब होता है कि भगवान के चरण कमल, ही इज द शेल्टर, देयर लोटस फीट इज द शेल्टर ऑफ ऑल द तीर्थास। बाद में शिव विरंचि नूतम, बड़े बड़े देवतागण जैसे शिवजी, विरंचि मतलब होता है ब्रह्मा जी, नूतम वो भी भगवान के चरण कमलों को नमन करते हैं, वो भी नमन करते हैं। शरण्यम, दे आर वर्दी टू टेक शेल्टर ऑफ, भगवान के चरण कमल जो हैं दे आर वर्दी टू बी टेकन शेल्टर ऑफ, उनका आश्रय हमें ग्रहण करना चाहिए। भृत्यार्थी हम, भृत्य का मतलब होता है भगवान के सेवक, भगवान के भक्तगण, उनके सभी कष्टों का भगवान के चरण कमल निवारण करते हैं। भृत्यार्थी हम का मतलब होता है हमारे जितने भी क्लेश हैं भक्तों के उनका निवारण करते हैं। एक और जो सुंदर गीत है जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में है, सततम जनता भवतापहरम, जितने भी जीवों के कष्ट हैं भगवान उनका हरण करते हैं। इसलिए भगवान को हरि भी कहते हैं, जो अपने भक्तों के दुखों का हरण करते हैं इसलिए भगवान को हरि कहते हैं। प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, प्रणतपाल का मतलब है जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, लॉर्ड गिव्स देम प्रोटेक्शन, कंप्लीट प्रोटेक्शन। हम लोग बैंक बैलेंस के ऊपर आधारित होते हैं, बढ़िया बढ़िया डॉक्टरों के ऊपर निर्भर करते हैं, हमारे पास में जो ऐश्वर्य है या फिर किसी देवतागण के ऊपर निर्भर करते हैं, या फिर ज्योतिषी के पास में जाते हैं कि भाई शनि आ गया है मेरे जीवन में, थोड़े मेरे कष्ट निकालो, निवारण करो। भगवान का भक्त जो भगवान का भक्त जो है वो भगवान के चरण कमलों के ऊपर निर्भर है। और भगवान तो कहते हैं कौन ते अप्रति जानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन कभी नहीं होगा। कृष्णा विल गिव कंप्लीट प्रोटेक्शन टू हिज डिवोटीज। और अंत में भवाब्धि पोतम, भवाब्धि पोतम का मतलब होता है भवा अब्धि, कौन बताएगा भवाब्धि का मतलब क्या है? भव, भव का मतलब क्या होता है? रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, इसको भव कहते हैं, संसार जिसको हम लोग कहते हैं। अवधि का मतलब क्या है? ओशन, मटेरियल वर्ल्ड इज अ ओशन ऑफ मिजरीज ऑफ बर्थ एंड डेथ। पोतम का मतलब क्या होता है? पोतम बोट, नाव, ये एक ऐसी नौका है, भगवान के चरण कमल उनकी शरण अगर अहम ग्रहण कर लें तो हम ऐसी नौका की शरण ले रहे हैं जो कभी नहीं डूबेगी। इस संसार की बड़ी से बड़ी नौका टाइटैनिक भी, टाइटैनिक के बारे में कहा गया था इवन गॉड कैन नॉट ड्राउन इट,
भगवान भी नहीं डूबो सकता है, और पहली जर्नी में ही डूब गई, लेकिन लेकिन भगवान के चरण कमल जो हैं, वो इतनी महान नौका है, अगर उसका आश्रय ले लें, उसमें बैठ जाएं, भवाब्धि, इस भव सागर को हम पार कर पाएंगे, वी विल बी एबल टू क्रॉस ओवर दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस। उसके दो महत्वपूर्ण कारण बताए जाते हैं, वत्स पदम, ये संसार जो है भक्तों के लिए सिकुड़ करके एक बछड़ा जो होता है, गाय का छोटा बछड़ा, उसके छोटे से खुर, उसका जो आगे का पांव का हिस्सा होता है, उससे कई बार आपने देखा होगा बारिश में एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है, उसमें बारिश का पानी जमा हो जाता है। किसके लिए मुश्किल है वो पार करना? इज इट डिफिकल्ट? मुश्किल है? एक छोटा सा गड्ढा। ये जो भव सागर है, भगवान की कृपा से एक छोटा सा गड्ढा हो जाता है, भक्त उसे आसानी से पार कर लेता है। वी विल स्टॉप विद दिस। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।